सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नई टेक्निक्स और डिजाइन का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। खबरों का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को दिया खुला ऑफर, पर बीकेयू नेता ने दे दी हिदायत। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में किसान आंदोलन की कामयाबी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस आंदोलन के बड़े चेहरे में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर कई पार्टियां डोरे डाल रही है। इसी सिलसिले में सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को खुला ऑफर दिया है। वहीं इसी बीच मेरठ में जब एक पोस्टर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ साथ राकेश टिकैत की फोटो लगी दिखी, तो भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने ऐसी नाराजगी जताई कि अब तक बवाल मचा हुआ है। दरअसल देश में तीनों नए कानून की वापसी के बाद करीब एक साल के बाद टिकैत अपने घर सिसौली रवाना हुए थे। उनके समर्थक पूरे रास्ते उनका स्वागत करते पहुंचे थे। इसी दौरान किसान नेताओं की नजर मेरठ के हाईवे पर लगे मिशन 2022 के एक चुनावी पोस्टर पर पड़ी, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ साथ टिकैत की फोटो भी लगी हुई थी। फिर क्या था, बात निकली तो दूर तक गई। उधर जौनपुर में चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राकेश टिकैत किसी राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करते हैं, वे हमेशा किसानों की बात करते हैं। आज से दो दिन के लिए हड़ताल पर 9 लाख बैंक कर्मचारी, रुके कई काम। अगर आप किसी काम के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल आज से देश भर में सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से दो दिन के हड़ताल पर हैं। वहीं बता दें कि ऐसे में आम लोगों को बैंक से जुड़े कामकाज निपटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दो दिन की हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने किया है। वहीं बैंक यूनियन के नेताओं ने कहा है कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा दो सरकारी बैंकों में निजी क्रम के प्रयास के खिलाफ किया गया है। मुख्य रूप से जो हमारी मांग है, जो बैंकों का सरकार निजीकरण के लिए जो बिल पास करने वाली है संसद में, उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सभी चाहते हैं और देश की जनता भी ये चाहती है कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए। क्या इसके आपके अलावा कौन कौन सी शाखा है जो इसमें शाखा है? नहीं, इसमें सारे बैंक जो हमारा UFBU है, जो हमारा एक संघ है पूरे देश का बैंकों का, उसके बैनर तले आज हम सभी लोग स्ट्राइक पे हैं। और देश भर में कम से कम ये मान के चलिए आपके 12 लाख से ज़्यादा लोग स्ट्राइक पे हैं। और मंदसौर और नीमच क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ पर भी ये मान के चलिए कि लगभग 800 लोगों के करीबन हमारे बैंक कर्मी जो हैं, वो इसमें ऑफिसर्स, हमारे क्लरिकल स्टाफ और वार्ड सारे लोग जो हैं आज स्ट्राइक पे हैं। इसमें अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी हैं वो सभी शामिल हैं। और इसके अलावा भी हमें RBI की जो एसोसिएशन है उनका हमें सपोर्ट है, रेलवे की तरफ से जो कर्मचारी संघ है उनका हमें सपोर्ट है, और बाकी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन सभी का हमें सपोर्ट मिल रहा है। मैं महेंद्र सिंह चंद्रावत, भारतीय स्टेट बैंक रीजनल सेक्रेटरी मंदसौर नीमच। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केरल और महाराष्ट्र में मिले 4-4 नए मामले, यूपी में मेगा सैंपलिंग अभियान शुरू। भारत समेत दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए वेरिएंट के 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केरल और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4-4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मेगा सैंपलिंग अभियान शुरू किया है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात सहित कई राज्यों में नए
कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र में 32 मामले, राजस्थान में 17, दिल्ली में 6, केरल में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1, चंडीगढ़ में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 केस मिला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि केरल में 4 नए मामले के बाद नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हो गई है। चुनाव सुधारों को लेकर फिर सक्रिय हुई सरकार, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की तैयारी, युवाओं के लिए की बड़ी पहल। चुनाव सुधारों के लिए लंबे समय से उठ रहे मांगों को देखते हुए सरकार एक बार फिर से सक्रिय हुई है। समझा जा रहा है कि चुनाव सुधारों से जुड़े सभी विधेयक को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं चुनाव सुधार के जिन अहम बिंदुओं पर तेजी से काम चल रहा है उनमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, देश में एक ही मतदाता सूची तैयार करने जिनका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से लेकर पंचायती चुनावों तक होगा, और चुनाव आयोग को और शक्तियां देने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नए युवाओं को, मतदाताओं को साल में 4 बार मौका देने और महिला प्रत्याशी को करमानों के हिसाब से अधिकार देने की तैयारी भी की जा रही है। तिरंगा यात्रा में बोले केजरीवाल, आपकी सरकार बनी तो जलंधर में बनाएंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर जलंधर में देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। केजरीवाल बुधवार को जलंधर में निकाली गए तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर सम्पन्न हुई तिरंगा यात्रा के बाद केजरीवाल ने कहा कि दोआबा में बहुत सारे लोग विदेश से बसते हैं और बीते लंबे अरसे से मांग की जा रही है कि जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए। पंजाब में आपकी सरकार बनने पर जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि जलंधर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज मजा आ गया, इतनी शानदार तिरंगा यात्रा। मैंने बहुत सारे रोड शो किए अपनी जिंदगी में, बहुत सारी तिरंगा यात्रा निकाली है, लेकिन आज जलंधर के लोगों ने कमाल कर दिया। तो एक बार जोरदार ताली जलंधर वासियों के लिए। और जितना प्यार, जितना मोहब्बत आज हम लोगों को जलंधर के लोगों से मिली है, मैं जानता था जलंधर के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार करते हैं ये नहीं पता था। तो जलंधर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। पूरा रस्ते लोग अपनी खिड़की पे, अपने छत पे सब लोग तिरंगा लहरा रहे थे और सबके मुंह पे था भारत माता की जय। अपने को सबको अब पंजाब की खुशहाली के लिए काम करना है, पंजाब की तरक्की के लिए काम करना है। पंजाब पुराने दिनों में आतंकवाद से गुजरा था, पंजाब के लिए वो दिन बहुत बुरे थे। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अपने को सबको मिलके पंजाब को खुशहाल करना है, पंजाब का भाईचारा बना के रखना है जैसे आप लोग बना के रखते हो, और पंजाब को अब आगे लेके जाना है। मैं किसानों को सलाम करता हूं और सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को। इस पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? पंजाब ने की थी। पंजाब के लोग सबसे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठे थे, और जब पंजाब के लोग खड़े हो गए तो सारे देश के किसान खड़े हो गए। तो मैं पंजाब के किसानों को सलाम करता हूं, और जैसे किसान आंदोलन जीता है अब अपने आप को पंजाब, अपने को सबको मिलके पंजाब की खुशहाली के लिए भी ये जंग जीतनी है, और मार्च के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। बनानी है, नहीं बनानी है। आज मैं बाबा साहब जी को नमन करता हूं। बाबा साहब, मैं समझता हूं कि आज तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीय हैं। आपको पता नहीं होगा, दो तीन बात बता दूं बाबा साहब के बारे में। उनके पास 62 मास्टर्स डिग्री थी, 62 एमए थी उनके पास। एक एमए करने में नानी याद आ जाती है,
उनके पास 62 डिग्री थी, 62 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए कर, उन्होंने दो लंदन से और उधर अमेरिका से दो जगह से उन्होंने पीएचडी करी थी। आज की डेट में भी एक बार विदेश से एक बार पीएचडी करने में नाम ही आ रहा है, और इतने गरीब घर के थे। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। आज आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो स्कूलों पे और शिक्षा पे काम कर रही है। बाबा साहब का सपना था कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिली थी, लेकिन आज 70 साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ। हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, हमने कसम खाई है कि बाबा साहब का यह अधूरा सपना हम पूरा करेंगे। आज जलंधर में आए हैं तो जलंधर के लोगों को दो गारंटी देके जा रहे हैं। एक, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको हॉकी क्रिकेट तो उसको जलंधर का बना हुआ सामान इस्तेमाल करना पड़ता है। सचिन जब अपने बल्ले से, सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से छक्के मारता था तो उसके बल्ले के अंदर जलंधर होता था। हमारी हॉकी टीम जब ओलंपिक में मेडल लेके आती है तो उनकी बॉल के अंदर और उनके बल्ले के अंदर जलंधर होता है। हर चीज के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी खेल खेला जाता है जलंधर होता है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जलंधर के अंदर बनाएंगे। और दूसरा, दुआबे से बहुत सारे घरों के बच्चे विदेश गए हुए, वो वापस आते हैं, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत पुरानी मांग है कि यहाँ पे जलंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जलंधर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी एक छोटी बच्ची ने, दो बच्चों ने, कोमलप्रीत कौर और सारास, यहीं पे हैं वो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों ने हम लोगों को अपने गुल्लक के पैसे दिए हैं। उनके पास बड़े बड़े अमीरों के पैसे हो सकते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए। हम इन बच्चों के गुल्लक के पैसे से ये चुनाव जीतेंगे दोस्तों। गाजीपुर से आते हुए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का खतौली में हुआ भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर व फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। राकेश टिकैत के पीछे सैकड़ों गाड़ियों व ट्रैक्टरों का एक काफिला चलते चलते सिसौली पहुंचेगा। किसानों का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस सभी चौराहे पर मौजूद रही। वहीं स्वागत करने वाले में राकेश चौधरी, रोशन पंडित, प्रमोद अहलावत जैसे लोग शामिल रहे। फतेह मार्च है ये। जी सर, जी सर। फतेह मार्च कर कहा रहे हैं तो फतेह मार्च निकलने पूरे देश में। बिल्कुल सर, 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बता देंगे जब आचार संहिता लगेगी। बनवासी, गिरिवासी, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में छात्र छात्राओं को दी गई आत्मरक्षा की शिक्षा। सोनभद्र में जय मां शारदा पब्लिक स्कूल में शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं बेटियों को स्वलंबिक और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करने एवं उनमें सुरक्षा जागरूक करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, जिस मिशन का नाम है मिशन शक्ति अभियान। वहीं बता दें कि बालिकाओं से संवाद किया गया जिसमें उन्हें विभिन्न टोल फ्री नंबर के बारे में बताया गया, जिसके बाद वहां के एक कोच ने उन्हें टाइकोंडो सिखाया जिसमें फ्री किक, पंच और अन्य चीजों के बारे में उन्हें बताया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि वे कैसे अपने आप को बचाव कर सकती हैं। भव्य व ऐतिहासिक होने वाला है अमेठी जनपद में होने वाला जन विश्वास यात्रा विनोद सोनकर। दुर्गेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में गौरीगंज भाजपा जिला मुख्यालय पर यात्रा से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटी से लेकर जिला के पदाधिकारी अपने मत मस्तिष्क से जुड़े रहें और तैयार रहें, क्योंकि आने वाले 100 दिन चैन से बैठने का समय नहीं होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में रैली, सभा, जनसभा, रोड शो सहित पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबको अपनी
तय भूमिका निभानी पड़ेगी। वहीं सांसद व राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर ने कहा कि विपक्ष चुनाव को भटकाना वटकाना चाहता है। वहीं विपक्ष जानता है कि वह विकास, सुनाश और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर खड़ा नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास 8 साल का मोदी नेतृत्व का 5 पौनाम मौजूद है। पार्टी के द्वारा जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया गया है। 2017 के चुनाव से पहले पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी, जिसके प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास करके आज़ाद भारत में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत देने का काम किया था, उसी को बिना जन विश्वास यात्रा के माध्यम से ये यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर अमेठी में समाप्त होने वाली है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पे जन समुदाय के द्वारा, संगठन के द्वारा स्वागत होगा। ये यात्रा इस जनपद को अमेठी में वहाँ मिलने वाली है ना, प्रत्योष तिराहे पर, और इसका समापन जगदीशपुर में विशाल जनसभा के बाद होगा। कौन गेस्ट होगा इसका मुख्य अतिथि, समापन करने के लिए कौन आएंगे? अभी तय हो रही है, उसी तैयारी बैठक के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसको बैठक के तय कर रहे हैं यहाँ पे किसको लाना है। सर, अमेठी ऐसा क्यों चुना गया इसको, अमेठी में क्यों खत्म करने का उद्देश्य? भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से 6 क्षेत्रों में बटी है, और काशी क्षेत्र की पूर्वांचल में शुरुआत होती है गाजीपुर से और समापन होता अमेठी में। और वैसे भी अमेठी की जनता का विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करने हम लोग आ रहे हैं कि आज़ाद भारत में जो उन्होंने इतिहास रचा है उसके लिए भी धन्यवाद देना है। उत्तराखंड के बाद आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किया बड़ा ऐलान, सरकार आने पर देंगे रोजगार। आज मैं युवाओं के संबंध में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के संबंध में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि अपना वोट देके एक एक वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। आपके एक एक वोट से ईमानदारी से रोजगार निकलेंगे और कोई पेपर लीक नहीं होगा। आज मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगार की वेबसाइट है, रोजगार की जो वेबसाइट है, उस पर 34 लाख युवाओं ने नौकरी मांगने का आवेदन कर रखा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 34 लाख युवा नौकरी ढूंढ रहा है उत्तर प्रदेश का। आम आदमी पार्टी इन तमाम युवाओं से, इनके परिवारों से, इनके चाहने वालों से सबसे कहना चाहती है कि अपने वोट से रोजगार क्रिएट करिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी 10 लाख नौकरी हर साल क्रिएट करेगी, और जब तक इन युवाओं को, 34 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जब तक इनमें से, इन 34 लाख में से एक एक युवा को रोजगार नहीं मिल जाता हर एक को, तब तक 5,000 रुपए प्रति महीना रोजगार भत्ता देगी। तो 5,000 रुपए प्रति महीना रोजगार भत्ता और हर साल 10 लाख रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराना, और यह पूरा खाका उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम ने, संजय सिंह जी ने, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझ के बनाया है कि इसका बजट कहां से आएगा और ये रोजगार कहां से आएंगे। हरी झंडी दिखाने के बाद अब 18 में नहीं 21 साल में दुल्हन बनेगी बेटियां, प्रस्ताव को कैबिनेट में मिली मंजूरी। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर करी जाए। वहीं मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिला की 18 साल थी, लेकिन सरकार ने महिलाओं को भी 21 साल कर दिया है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।
के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। पांच राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।